हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की और इस समय हम लोग मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्टेशन की स्टडी कर रहे हैं जो कि हमारे सिलेबस की यूनिट टू है। कौन सी यूनिट है? यूनिट टू। यूनिट टू में हमको मेम्ब्रेन के ऑर्गेनाइजेशन और उसके क्रॉस ट्रांसपोर्टेशन के बारे में स्टडी करनी थी। ठीक है, हमने इस टॉपिक को किस लिए स्टार्ट किया था ये हमने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, क्योंकि ये टॉपिक हर एक सब्जेक्ट में कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी लाइफ साइंस को समझने के लिए। ठीक है, हमने इस यूनिट में मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर वाला पोर्शन है उसको पूरा कवर अप कर लिया है। ठीक है, और इस समय हम लोग मेम्ब्रेन के अक्रॉस सॉल्यूट के ट्रांसपोर्टेशन की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने वी टाइप 80 पेजेस के बारे में डिस्कस किया, तो वी टाइप 80 पेजेस तक हम लोगों ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी स्टडी कर ली है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि क्यों ना आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जाए जिससे आप लोग अपना सेल्फ असेसमेंट कर पाएं और एक प्रैक्टिस कर पाएं कि आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है क्या वो आपको रिटेन्ड है, अगर नहीं है तो आप लोग उसका रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट डिजाइन करके आपको अप्रोक्सीमेट 25 क्वेश्चंस हैं, शायद उसमें 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिजाइन किए हुए हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस वहां से हैं जो टॉपिक अभी तक हम लोगों ने कवर किए हैं, जिसमें कि आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन, उसमें लिपिड बायलेयर है, प्रोटीन है, ठीक है, सारा असेंबली वगैरह, कोलेस्ट्रॉल है, सारी चीजें हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वहां से क्वेश्चंस हैं, और कुछ पोर्शन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी है जहां से हम लोगों ने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में जो स्टडी किया था। ठीक है, वो सारे कुछ जो सारा प्रैक्टिस सेट एक गूगल फॉर्म के लिंक के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं और अपना रिस्पांस हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग टारगेट ये कर रहे हैं कि जितने ज्यादा हमको रिस्पांस मिलेंगे उतने ही ज्यादा हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, मैं इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा कि आपका सारा का सारा रिविजन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा रिस्पांस मेरे पास आएगा मैं उतना ही ज्यादा क्वेश्चन पेपर वहां पे हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीक एक प्रैक्टिस सेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। और ठीक, और जब आप लोग अपने रिस्पांस सबमिट कर देंगे तो जब मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट दूंगा तो उस पूरे रिस्पॉन्स की आंसर की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ाए गए टॉपिक से ही हैं। आप हमारे वीडियोस को पहले वॉच कीजिए, देखिए आपको वीडियोस देखने के बाद वो चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर पॉसिबल रहा तो हम लोग कमेंट सेक्शन में ही आपको आपका डाउट क्लियर कर देंगे, अदरवाइज हम एक डाउट क्लियरिंग क्लास लेके सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, गूगल फॉर्म को ओपन कीजिए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस हमें सबमिट कीजिए। ठीक है, और देखिए कि आप लोगों ने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप लोग जा करके अपना रिस्पांस सबमिट कीजिए और देखिए कि अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए और देखिए कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉसिबली बहुत ही नज़दीक है और अब हमें बहुत तेजी से प्रैक्टिस शुरू करनी है और स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिस भी शुरू करनी है। ठीक है, तो जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे आपको हर वीक इसी तरह से प्रैक्टिस सेट्स मिलते रहेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमें कितने रिस्पांस मिलेंगे। अगर हमें रिस्पांस ज़्यादा मिलेंगे तब हम प्रैक्टिस सेट्स रेगुलरली प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज 15 दिन एक महीने में एक प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई इस वीडियो में हमें कोई लेक्चर नहीं लेना था, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एफ टाइप 80 पेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो पॉसिबली आपको कल शाम तक मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।